Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to learn that how to use Google Fonts in an easiest way possible. So without wasting any time, let's get started. So सबसे पहले अपने एडिटर ओपन किया पर विजुअल स्टूडियो कोड और हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाया गूगल फॉन्ट्स के नेम से और यहाँ पर अब हम एक HTML और एक CSS की फाइल क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो HTML का फाइल का नाम हम रखते हैं index.html एंड CSS की फाइल का नेम रखेंगे style.css. आप कुछ भी नेम रख सकते हैं बट मेक श्योर आपने एक्सटेंशन यूज किया हो, जैसे .html HTML का एक्सटेंशन है, .css CSS का एक्सटेंशन है. सो यहाँ पर हम अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन देन प्रेस एंटर और यहाँ पर टाइटल में हम लिख देते हैं गूगल फॉन्ट्स. सेव करेंगे और यहाँ पर लाइव सर्वर अपना ओपन करेंगे. सिंपली क्लिक राइट एंड देन यहाँ पर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर. अभी कुछ नहीं हुआ है, सिंपल इसमें टाइटल है, ये यहाँ पे है गूगल फॉन्ट्स और हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखते हैं बॉडी के अंदर. सो हेडिंग में हम लिखते हैं H1 टैग का यूज करेंगे और लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ वेलकम टू लर्न टू कोड और इसके अंदर P टैग का यूज भी करते हैं. मैं एक पैराग्राफ भी बनाते हैं, सिंपली जस्ट राइट P देन प्रेस एंटर और इसमें हम पैराग्राफ लिख सकते हैं पर हमें कोई बड़ा पैराग्राफ लिखने के इतने सारे टाइप करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर एक फंक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ, लोरेम. तो आपको लोरेम लिखने के बाद आपको कितने वर्ड्स चाहिए, सपोज डेट मुझे चाहिए 12 वर्ड्स, तो सिंपली लोरेम 12 लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ बन जाएगा. ठीक है, अब ये पैराग्राफ बन चुका है हमारा, ये 12 वर्ड्स है. यहाँ पे सेव करके देखते हैं हुआ क्या. ठीक है, ये हमारी हेडिंग है और ये हमारे 12 वर्ड्स का पैराग्राफ है. अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, बट फॉन्ट चेंज करने से पहले मैं अपनी CSS इंक्लूड कर लेता हूँ और CSS लिंक करने के लिए सिंपली टाइटल टैग है, आप ये टाइटल है, टाइटल के नीचे हम लिखना है लिंक लिंक कॉलन, यहाँ पर थर्ड नंबर पे है CSS. ठीक है, और href में हमें CSS का नेम देना है. इसमें जो डिफॉल्ट है वो style.css आता है और हमने यहाँ पर अपना नेम भी style.css लिखा है तो इंक्लूड हो चुकी है. चेक करने के लिए यहाँ पर हम अपनी CSS फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे. ठीक है, और लेट्स से BGC में यहाँ पर आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ये लेते हैं पेल वायलेट रेड. इसे सेव करेंगे और ये देखिए CSS अच्छे से लिंक हो चुके हैं, कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है. अब हम यहाँ पर अपना गूगल फॉन्ट का यूज करेंगे. सो न्यू टैब में यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल फॉन्ट और गूगल फॉन्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट होगी fonts.google.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे. अब ये हमारे पे डिफरेंट फॉन्ट्स आ गए हैं, हम कोई भी फॉन्ट इसमें यूज कर सकते हैं. सपोज डेट मुझे फॉन्ट ठीक लग रहा है, अगर मैं ये यूज करना हूँ, आई नो आई प्रोफेशनल नहीं है बट स्टिल इट लुक्स गुड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास सेलेक्ट दिस स्टाइल, ये शो हो रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे. सो यहाँ पर टू वेज है कि हम कैसे अपनी CSS गूगल फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं CSS में. सो ये तो हमें HTML में करना होगा बट ये अच्छा वे नहीं है, इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है और थोड़ा इस लुक क्रैम्पी. सो हम ऐसा करते हैं कि हम इम्पोर्ट का यूज करेंगे, इम्पोर्ट पर क्लिक करके ये हमारा स्टाइल है और सिंपली हमें ये इम्पोर्ट से लेके यहाँ तक ये लाइन कॉपी करनी है. इसे कॉपी करने के बाद हमें ये सिंपली अपना CSS में, यानी CSS यहाँ सबसे टॉप पे इसे पेस्ट कर देंगे. ठीक है, सो हमारी जो फॉन्ट्स है वो हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है. अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन होगा, इसके जस्ट नीचे ये है ना CSS rules to specify families. सो ये फॉन्ट फैमिलीज है और ये हमें फेस्टिव और कर्सिव है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर हमें सारे फॉन्ट चेंज करने हैं तो पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे. सेव करेंगे और अब देखते हैं क्या हुआ. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आई नो इट लुक्स वियर्ड बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये हमारा पूरा फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया. सिंपली मैं आपको दूसरे वे में भी करके दिखा देता हूँ अगर आपको HTML के थ्रू करना है. यहाँ पर गए, यहाँ पर इम्पोर्ट हमने कर लिया, अब लिंक. सो ये हमें पूरी लिंक कॉपी करनी है. ठीक है,
और ये पूरे लिंक कॉपी करने के बाद हमें जहाँ पर हमने अपनी CSS इंक्लूड की थी HTML में, यहाँ टाइटल के अंदर, इसे यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमारा ये तो लिंक हो गया, और सिंपली यही CSS रूल्स टू अप्लाई, ये हमें अपने बॉडी के अंदर कॉपी करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर सेव करेंगे और अब देखते हैं क्या हुआ है। ये भी ऐसे ही वर्क कर रहा है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। सो ये दो हमारे पास तरीके हैं कि हम कैसे अपने गूगल फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, एक इम्पोर्ट और एक लिंक करके। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये कि कैसे करते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियोस, और पुरानी वीडियोस भी देखो। सो मैंने फेसबुक का लॉगिन पेज भी बनाया है, कुछ वेबसाइट्स भी बनाई हैं, और अब मैं डेली वीडियोस बनाऊंगा और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे, काफ़ी कुछ नया भी सीखेंगे, और उसको बने रहो मेरे साथ। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।